हेलो, नमस्ते बच्चों। एग्जाम्स के बाद आज आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी का काम शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चों ने नोट भी कर लेना है। पार्ट 11 तक आपका सेकंड टर्म में आ गया था, अब थर्ड टर्म का वक्त जो है पार्ट 12 से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 12 का नाम है भारत माता, जो कि एक कविता है। ठीक है, कुछ कठिन शब्द ऊपर दिए गए होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे ढंग से लिखना है, बोलना सीखना और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सिंधु, जब अंकी बिंदी लगी होती है, आधा ना भी लिख सकते हैं तो अंकी बिंदी नहीं लगाते, या अंकी बिंदी लगी है तो लगानी है, फिर ना नहीं लिखना। सिंधु, पुण्य भूमि, जन्म भूमि, मातृभूमि, पहाड़ियों, अंकी बिंदी, हिमालय। ये कठिन शब्द हैं जो आपकी कविता में भी आए होंगे। आपको इनको पहले लिखना है, फिर कविता को गाकर बोलना है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ा नित सिंधु झूमता है। यानी कि हिमालय जो है ऊंचा है, सबसे ऊंचा है हिमालय, तो इसलिए हम कहते हैं आकाश चूमता है। ऐसा लगता है जैसे वो आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले पड़ा है, तले मीन्स नीचे, चरण मीन्स पैरों, पैरों के नीचे क्या है, नित सिंधु झूमता है। सिंधु नदी का नाम है, नित मीन्स रोज, तो रोज जो है सिंधु नदी झूमती है, जैसे कल कल करते हुए चलती है ना झूमते हुए, इस तरह से। झरने अनेक झरते उसकी पहाड़ियों से, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों से। झरना, जो पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है ना, उसे कहते हैं झरना। झरने अनेक झरते उसकी पहाड़ियों से, यानी कि हिमालय की पहाड़ियों से, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों से। चाहे वो पेड़ पर बैठी हों, कांटों पर बैठी हों, कहीं भी, जैसे जंगलों में है या कहीं भी, तो उसे क्या गाया है, मस्त झाड़ियों से। यह पुण्य भूमि मेरी, यह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कविता को कौन लिखता है, कवि। कोई भी जो कविता लिखता है उस कवि का नाम नीचे दिया गया होता है। तो इस कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। द में ई की मात्रा है, फिर व के नीचे हलंत है, यानी कि व आधा है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ा हमने, द्विवेदी, दिववेदी नहीं पढ़ेंगे। द के साथ व आधा है, तो इसलिए पहले तो ऐसे लिखा जाता था, द के पैर के नीचे व आधा, लेकिन आजकल अलग लिखा जाता है, तो इसलिए तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है, द्विवेदी। भाव क्या है इस कविता का, सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता के माध्यम से अपनी भारत माता व जन्मभूमि के बारे में श्रद्धा अर्पित करते हुए इसकी प्रशंसा की है, तारीफ की है कि मेरा भारत कैसा है। उन्होंने भारत के चार नाम दिए हैं। यह पुण्य भूमि मेरी, पुण्य भूमि किसको कहा गया, भारत को। यह स्वर्ण भूमि मेरी, तो स्वर्ण भूमि को भी क्या कहा गया, भारत। वह जन्मभूमि मेरी, हमने भारत में जन्म लिया तो ये जन्मभूमि। वह मातृभूमि मेरी, यानी कि ये माता, जैसे भारत माता कहते हैं ना, वह मातृभूमि मेरी। तो आगे प्रश्न में आएंगे ये चार नाम, तो आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इनको पढ़ना भी है और लिखना भी आना चाहिए। कविता को आपको गा के याद करना है, और आज ये हम पूरा वक्त करेंगे, शब्द अर्थ भी करेंगे। मौखिक प्रश्न आपको वैसे ही अपने आप आने चाहिए, और लिखित प्रश्न मैंने लिखे हैं और उसे पढ़कर आपको बताऊंगी। हिमालय का अर्थ क्या है, ये पर्वत का नाम है। चरण का अर्थ है पैर, तले मीन्स नीचे, नित मीन्स रोजाना, अनेक बहुत सारे, पुण्य पवित्र, ये शब्द अर्थ भी लिखने हैं आपने। कविता लिखनी है, शब्द अर्थ लिखने हैं, और लिखित कार्य सारा करना है। भारत को मातृभूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये माता की तरह हमें पालती है, यहाँ पर हमने जन्म लिया है, इसलिए भारत को मातृभूमि कहते हैं। सबकी अपनी मातृभूमि है, हमारी भारत मातृभूमि है।
झरने कहाँ से बहते हैं? झरने पहाड़ियों से बहते हैं। चिड़ियाँ क्या कहना चाहती हैं? चिड़ियाँ चहक रही हैं, वह क्या कहना चाहती हैं कि हम मस्त झाड़ियों से चहक रहे हैं। सुबह सुबह चिड़ियाँ अपना गाना सुनाती हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे अब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊंचा कौन खड़ा है? तो हमने कविता में क्या पढ़ा है? ऊंचा हिमालय खड़ा है। कितना आसान उत्तर है। तो आप बच्चों को प्रश्न भी लिखना है और उत्तर भी लिखने हैं। पुण्य भूमि किसे कहा गया है? पुण्य भूमि भारत को कहा गया है। आकाश कौन चूमता है? आकाश को हिमालय चूमता है, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे वो आकाश को चूम रहा है। भारत माता के चरणों में पढ़कर कौन झूमता है? भारत माता के चरणों में पढ़कर सिंधु नदी कल कल करके झूमती है। झूमता लिखा ना, तो कल कल करके झूमती है। अब इसका अगला अभ्यास करेंगे। कविता आपने पढ़ ली है तो उन कविता की पंक्तियों को पूरा करना भी आना चाहिए। निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। ऊंचा खड़ा, आगे क्या लिखेंगे हम? हिमालय। चिड़िया चहक रही हैं, यह पुण्य भूमि मेरी। नीचे चरण तले पड़ा। तो हमने एक एक लाइन को जो भी दिया था पूरा कर दिया। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विकल्प होते हैं जो ऑप्शन दिए गए होते हैं। कविता में देश को क्या कहा गया है? भारत माता या देश माता? भारत माता, तो इस पर टिक किया हमने। हिमालय किसको चूमता है, धरती को या आकाश को? आकाश को। झरने कहाँ से झरते हैं, पहाड़ों से या नदियों से? पहाड़ों से, तो यहाँ टिक किया। कविता में भूमि को कितने नाम दिए गए हैं, चार या तीन? चार। पुण्य भूमि, मातृभूमि, ये सारा पढ़ा है ना आपने, तो ये चार नाम दिए गए हैं कविता में। दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। नीचे चरण तले पड़ा, नित सिंधु झूमता है। तो इसका भावार्थ क्या है? दी गई पंक्तियों का भावार्थ यह है कि भारत माता के चरणों में नीचे रोज, रोज क्यों बोला, क्योंकि नित लिखा था, रोज सिंधु नदी झूमती है। तो इस तरह से अब हम ये भाषा व्याकरण का भी काम करेंगे। भाषा व्याकरण का काम बहुत मजेदार होता है, सब बच्चों को बहुत ध्यान से करना चाहिए। ग्रामर वर्क आप बच्चों को हर पाठ में करवाया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त हुए व्यंजनों को उनके सामने लिखिए। जैसे हिमालय, हमें मात्राएं नहीं लिखनी, सिर्फ अक्षर। व्यंजन का अर्थ होता है अक्षर। ह म ल य, तो ये देखो ह म ल य, और इनको हमने हलंत करके लिखाया है। तो इसी तरह से हमने जितने भी अक्षर लिखने हैं तो उनको हलंत लगाना है। आकाश, आकाश में क और श लिखा है, आ क्यों नहीं लिखा, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि आ जो है व्यंजन नहीं है, स्वर है। जैसे छोटे आ से अंग तक कोई भी अक्षर आ जाएगा ना, ये बड़ा आ है, तो आ जो है स्वर है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो हमने व्यंजनों को लिखना है, आ नहीं लिखा, इसलिए क और श, क और श। अब अगला है स्वर्ण, यानी कि स व ण, स र ऊपर दिया गया है, स व र ण, स्वर्ण। सिंधु, मात्राएं नहीं लिखनी है कोई भी, हमने केवल अक्षर लिखने हैं। स ऊपर क्या है जो आधा न, सिंधु में हम चाहे बिंदी लगा सकते हैं या आधा न, जैसे मैंने शुरू में ही पढ़ाया आपको कि बिंदी लगाएं या आधा न लिखें, तो स न ध। भूमि में भ और म, जन्म में ज न म, पुण्य में प ण य। तो एक ही शब्द ऐसा था जिसमें स्वर आया था, वो हमने नहीं लिखा। नीचे दिए गए शब्दों में कहीं कहीं
मात्राएं छूट गई हैं, उन्हें शुद्ध रूप में पूरा करके लिखो। तो हमें बहुत ध्यान से, हिमालय, हिमालय तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? हिमालय। सिंध, सिंध नहीं कहते, क्या बोलते हैं? सिंधु। चिड़िया, तो यहाँ पर ई की मात्रा नहीं है, चिड़िया। भूमि, तो इसको क्या लिखेंगे? भूमि। पहाड़ियों, तो क्या है यहाँ पर? ड में ई की मात्रा नहीं लगी, पहाड़ियों। झाड़ियाँ, तो क्या होता है? झाड़ियाँ। तो मात्राएं लगा दी हैं, तो आप बहुत ध्यान से इनको लिखेंगे, ये गलत वाला भी लिखेंगे और फिर सही शब्द भी लिखेंगे। ये कॉपी में नहीं करना, बुक में कर लेना, बाकी सारा काम कॉपी में करना है। नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है करना। कोई भी शब्द हम बोलते हैं जिससे पता चल जाता है कि हम कोई काम कर रहे हैं। हिमालय ऊंचा खड़ा है, तो खड़ा होना क्या है? क्रिया। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, अब ये हिमालय, तो हिमालय ऊंचा खड़ा है, तो खड़ा क्या है? क्रिया शब्द। हिमालय आकाश चूमता है, चूमता क्या है? क्रिया शब्द। तो हमने अंडरलाइन भी कर दिया यहाँ, और यहाँ पर अलग से लिख कर भी दिखाया है। रोजाना सिंधु झूमता है, झूमना क्या है? क्रिया, तो झूमता। अनेक झरने झरते हैं, झरते मीन्स बहते हैं, झरते यहाँ पर लिख दिया, क्रिया। चिड़ियां चहक रही हैं, चहकना क्या है? क्रिया। तो ये शब्द आपको अलग से लिखने हैं। तो अगले पेज पर है एक एक्टिविटी वर्क काम। प्रकृति से आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे, फल फूल आदि, इनके कुछ चित्र एकत्र करके दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो यहाँ पर आप चिपका सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप खाते हैं, पीते हैं, पेड़ पौधे हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति देती है फल फूल, तो वहाँ पर हमने पत्तियाँ वत्तियाँ लगानी है, फल फूल जो मिल जाते हैं, तो उनको यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। ये एक्टिविटी वर्क है, बाकी सारा काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे। कविता लिखेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, और ये सही विकल्प पंक्तियों को पूरा करने से सारे करने, केवल एक भाषा व्याकरण का पहला प्रश्न आप कॉपी में नहीं करेंगे, बाकी सारा काम आपने अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से करना है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।